नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश कुमारी। आज हम प्रेमचंद की कहानी दुनिया का अनमोल रतन का पाठ करेंगे। दिल फिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक के बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में वही जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आसिक के वेग में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सिर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लाकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिल फिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, सिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिल फरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं? दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? कारों का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जमेजम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत? नहीं, यह चीज़ें हरगिज नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या हैं? कैसे मिलेंगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? दिल फिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एकाश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। एकाश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेस कीमत चीज़ है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज़ें हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिल फिगार एकाएक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेस कीमती चीज थी न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले धड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिल फिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवार लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीर थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था
कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सह सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था। चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है, और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती, उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान नौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिल फिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउस और जमे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्योछावर है। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिल फिगार अपनी मासूका दिल फरेब के शहर मिनोसाबाद को चला। मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती थी, उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की, जिसे मैं दुनिया की सबसे बेसकीमती चीज समझता हूँ, दिल फरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से ना मुराद जाऊँगा, लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते वह मिनोसाबाद में आ पहुँचा और दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिल फिगार, खुदा के फजल से हुक्म की तालीम करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिल फिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्जों में बयान की। दिल फरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिल फिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेसकीमती चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की मैं दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेसकीमती चीज नहीं, इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जौ बख्शी करती हूँ, इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिल फिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ऐ दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है, फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपनी जान देने वाले आसिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी, और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखलाकर इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिल फरेब आसिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिल फिगार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिल फिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर यह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी, अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। हजरते खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बांह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियां किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रिल, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आसिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। गरज यह है
कि दिल फिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल पड़ा। दिलफिगार ने पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 सिंगार किए बैठी है। उसकी जांग पर उसके प्यारे पति का सिर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्योछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से उजल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब कि ज्यों ज्यों वह मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब कि तेरी जीत है। और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसबाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची डोरी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जामवाज आसिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आसिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसान मंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट दी, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल चीज है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहले पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने गुलामियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कुचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुई और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुजदिलों जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरते खिज्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की
और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गए। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेसुमार अदमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और वहसी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी? मरने वालों को करहाना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा होलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, ये लड़ाई का मैदान है और ये लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कहराने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फवारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। ये कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ, इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही दो अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर हमने हमलावर दुश्मन को बतला दिया। जो लाशें तू देख रहा है यह उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे। मुस्कुराकर, और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकालकर, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज मद्धम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एकाद बूंद टपक पड़ता था, आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उनके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल हेच भी है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और शक्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिल फरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हसबे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला, दुनिया की सबसे बेसकीमत चीज कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथौलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक यह सुनहरा पर्दा हट गया
और दिल फिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आसिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बराई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लूंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी कानपुर की उर्दू पत्रिका जमाना में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बाद में ये कहानी प्रेमचंद की जब्त शुदा पुस्तक सोजे वतन में भी संकलित की गई। यह कहानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। यूजीसी नेट के सिलेबस से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।